हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रश एंड ब्रोस एंड दिस इज प्रियंका हियर। सो आज कोई भी आपको मेकअप ट्यूटोरियल या फिर ब्लॉग नहीं देखने वाला है, आज आपको देखेगा एक हेयर हाईलाइट ट्यूटोरियल। तो इसके लिए मैं स्ट्रिक्स का प्रोफेशनल आर्गन सीक्रेट्स यूज़ कर रही हूँ। मैं स्ट्रिक्स का हाईलाइट कलर इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे हाईलाइट का बहुत ही सॉफ्ट कलर चाहिए। तो हाईलाइट के लिए नॉर्मली तो हम कोई भी हाईलाइट प्रोफेशनल कलर यूज़ करते हैं, बट मैं ये ग्लोबल कलर यूज़ कर रही हूँ जो कि आपको 160 में मिल जाएगा। और ग्लोबल कलर में पूरे हेयर पे जो कलर होता है वो, और आप देख पा रहे हैं इसका शेड नेम वेरी लाइट एश ब्लॉन्ड 9.1। तो आप इसे ले सकते हैं बाहर से भी, ऑनलाइन भी। और ये डेवलपर है जिसका वॉल्यूम 12% होता है। इसके साथ साथ मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स या लिंक दे दूंगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक नॉन मेटेलिक बोल लेना होगा, एंड कलर करने के पहले याद रखिए आप अपने हेयर को अच्छे तरीके से वॉश कर ले, साफ होना चाहिए आपका हेयर। तो इस तरीके से हम इसे बॉक्स से निकाल लेंगे। तो आपको ये एक साथ नहीं मिलती है, ये आपको कलर अलग से लेना होता है और आपको डेवलपर भी अलग से लेना होता है। डेवलपर का प्राइस है 100। तो ये दोनों आपको अलग अलग लेना पड़ता है, एक साथ नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इस कलर में रेशियो दिया हुआ है। एक्चुअली रेशियो 1:4, 1:2 या 3:4 ऐसा रेशियो दिया हुआ है। तो हमें 1:1 के रेशियो से डेवलपर एंड कलर को मिक्स करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक रेशियो ले लेते हैं 1:4 का। तो इस रेशियो को लेने के बाद अब हमें लेना होगा डेवलपर। तो डेवलपर किस तरीके से आप समझेंगे कि कितना लेना है, बिकॉज यहाँ पे कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो आप अगर वहाँ से 1:4 का रेशियो लेते हैं तो यहाँ से आप इसका है कैप, तो 3 कैप को आप इसमें मिलाना होगा डेवलपर से। तो 3 बार आप कैप में Thank you.
बैंड से बांधा था उन्हीं बालों के साथ आपको इन बालों को बांधना पड़ेगा, लेकिन नीचे जो हाइलाइटेड हेयर है उनको ना बांधे आप, उनको जैसा है वो आप वैसे ही छोड़ दे खुला हुआ। बस जो नीचे के खुले हुए बाल है जो कि बंधे थे उन्हें इन बालों के साथ आपको बांध लेना है। जो क्रिस क्रॉस बाल है उन क्रिस क्रॉस बालों को आप हाईलाइट कर ले फिर से, जिस प्रोसेस से मैंने आपको बताया था। इस तरीके से आपने हाईलाइट कर लिया तो फिर से आपको सेम प्रोसेस यूज करना है। ऊपर के जो बंधे बाल है उन्हें फिर से पार्ट करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, क्रिस क्रॉस को दो पार्ट में बांधेंगे, देन बचे हुए बालों को नीचे बचे हुए बालों के साथ बांध देंगे, क्रिस क्रॉस बालों को कलर कर लेंगे, फिर से आप ऊपर वही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे जैसे मैंने बोला। ऐसे करते करते पूरे बालों में आपको यही प्रोसेस करना है। ये करने के बाद में आप इसे 45 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दे, बाल ना बांधे, जो हाईलाइट हेयर है उसको ना बांधे, याद रखें ऐसे ही छोड़ दे 45 मिनट्स या एक घंटे के लिए। एक घंटे बाद बालों को गुनगुने पानी से शैम्पू और कंडीशनर कर ले, एंड इसके बाद आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप चाहते हैं आपका ये कलर ऐसा ही रहे तो आप स्ट्रिक्स का सीरम यूज़ कर सकते हैं, हेयर सीरम, जिससे कलर जैसा है वैसा ही रहता है। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, एंड होप सो आप लोग ट्राई करोगे। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे, एंड अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।